हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे अगर आपका एक टेबल है, वो टेबल में एक कॉलम में आप ये जानना चाहते हैं कि किसका किसका वैल्यू नल है, ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जिसमें एक कॉलम में नल वैल्यू है, वो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो ये कैसे कर सकते हैं। ये करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे एक मेरा टेबल है एम्प्लॉय नाम का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एड्रेस जो है ये एम्प्लॉय का वो नल है, मतलब साजन करके एम्प्लॉय है जिसका एड्रेस नल है। तो मुझे ये आइडेंटिफाई करना है ऐसे कौन से एम्प्लॉय है जिनका एड्रेस नल है। तो ये करने के लिए एसक्यूएल में चले जाइए और यहाँ पे आपका क्वेरी लिख दीजिए। तो मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय लिख देता हूँ, वेयर वेयर एड्रेस, मुझे एड्रेस के ऊपर देखना है इसलिए एड्रेस लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा इज नल। ये कीवर्ड है इज नल करके। ये क्या करेगा, पूरे टेबल में ढूंढेगा कि कौन से ऐसे एड्रेस है जिसका वैल्यू नल है और वो एड्रेस का पूरा रिकॉर्ड लाके देगा आपको। यहाँ पे मैं गो पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने गो पे क्लिक किया, उसने साजन का रिकॉर्ड लाके दिया क्योंकि उसका एड्रेस जो है यहाँ पे नल है। ये था इज नल का यूज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं, जिससे फ्यूचर में जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू।